ब्रेन बस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आस करते हैं कि आपका वीक वीक जो है पिछला बहुत अच्छा गया होगा, और आने वाले वीक के लिए भी हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आप लोग आजकल बहुत प्रोग्राम देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर। आजकल जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि पार्लियामेंट और मोदी साहब के 9 साल जो हैं आज पूरे हुए, उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और अपोजिशन वाले जो हैं वो अपने 9 पॉइंट्स लेके आ रहे हैं कि भाई उन्होंने 9 साल में क्या नहीं किया। हम अपने गेस्टों के साथ इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने हिंदुस्तान के हर टीवी चैनलों के ऊपर देख लिया है। हम आज बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान की और थोड़ी सी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, कि क्या आने वाले इलेक्शनों में जो अपोजिशन है वो उसका रोल क्या होगा, क्या वो एक दूसरे को उसी तरीके से काटेंगे जिस तरीके से वो पिछले 9 सालों से काम करते आ रहे हैं, क्या उनमें किसी किस्म का फैसला हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या कांग्रेस अपने सर्वाभिमान जो उन्होंने बना रखा है उससे वो नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा रोल उनका होगा कि वो दूसरी पार्टियों को कैसे एडजस्ट करते हैं। उनको बहुत बड़ी फिराक दिली दिखानी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं। मैंने आज ही एक खबर पढ़ रहा था कि वो 25 सीटें यूपी में लड़ना चाहते हैं। अगर वो 25 सीटें यूपी में लड़ना चाहते हैं जहाँ पर उनके पास 2% की वोट है, तो वो अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज कर रहे हैं और उसको नाराज़ कर रहे हैं। ऐसे ही वो अपने तेलंगाना में, तो चलो उनका राव के साथ कोई इतनी प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है, उनका वहाँ पर डायरेक्ट मुकाबला तो चलना ही चलना है, डायरेक्ट नहीं, वहाँ बीजेपी है थर्ड, लेकिन उड़ीसा में जो है वहाँ पर भी वो आप ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से बंगाल में भी वो कोई ना कोई पंगा लेंगे, वो 4-5 सीटों के ऊपर लड़ेंगे तो वहाँ पर भी ममता बनर्जी को अपने अगेंस्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन वालों को, और जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, सेकंड बड़ी पार्टी, उसको बहुत फिराक दिली दिखानी पड़ेगी। क्या ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, इस पे अपने मेहमानों से बात करेंगे। और पाकिस्तान के हालात क्या हैं, उसमें इस वक्त इमरान खान के जो कम से कम 40 लीडर्स हैं वो उसको छोड़ के चले गए हैं, और पिछले 2 दिन से इमरान खान जहाँ रह रहा है लाहौर में, उस इलाके में इंटरनेट बंद है ताकि वो रोज़ जो वीडियो संदेश देता है अपने लोगों को वो ना दे सके। इस पर बात करेंगे कि क्या इसमें आर्मी के अगेंस्ट जो वो बहुत बोला है, क्या इसमें आर्मी का तो रोल होता ही है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हम उसको कहते हैं, और क्या आने वाले टाइम के ऊपर आर्मी जो है वो और सख्त कदम उठाएगी या नहीं। हमारे दो मेहमान जाने पहचाने, अपने प्रेम कुमार जी वेटरन जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े टीवियों के ऊपर आप इनको देखते हो, और कई टीवियों से ये निकाले भी जाते हैं और कई टीवियों पे दोबारा लाए भी जाते हैं। जैसे मैं कनाडा में 11 रेडियो स्टेशनों से निकाला गया हूँ, क्योंकि मेरे अपने व्यूज़ जब होते हैं तो वो फिर कंप्लेंट्स आ जाती हैं। ऐसे ही मिश्रा जी हैं जी, वो कंसल्टेंट भी हैं, स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। अगर बिजनेस के बारे में आपने कभी कोई बात करनी हो तो आप मिश्रा जी को कांटेक्ट कर सकते हो जी, वो आपकी हेल्प करने में पूरी पूरी जो है अपनी कोशिश करेंगे। आप दोनों का स्वागत। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, आपने तो बहुत टीवियों के ऊपर आज 9 वर्ष की बात कराए जी, अपने पार्लियामेंट की बात कर रहे, वो तो सिलसिला जो है वो चलता ही रह रहा है। और मिश्रा जी, हिंदुस्तान से थोड़ा सा अलग होके पहले ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं था
कि पीटीआई का जो लीडर है इमरान खान, उसका वो इतना पॉपुलर है कि अगर इलेक्शन हो जाए तो 70-80% वो वोटें लेके जा सकता था आज से 4 हफ्ते पहले। लेकिन 4 हफ्ते में वहाँ सिचुएशन इतनी बदल गई कि इमरान खान के अपने राइट हैंड जो हैं जी, वो उसको छोड़ गए हैं और 40 लीडर पीटीआई के उसको छोड़ चुके हैं, पार्टी को छोड़ गए हैं। आज एक ख़ास आदमी जो है वो पार्टी को छोड़ के गया, सारे ही खास हैं वैसे, सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक ख़ास आदमी छोड़ के गया जो कि बिल्कुल इमरान खान के फैमिली का और उनका घर का मेंबर समझा जाता था। इसके पीछे ये कहा जाता है कि जो पीछे रॉयट्स हुए और जिस तरीके से आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग को जला दिया गया, उसके पीछे ये कहा जाता है कि इमरान खान ने इन लोगों को उकसाया है और इस तरीके से ये लोग जो हैं इन्होंने पाकिस्तान में आर्मी के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक मतलब कदम उठाया। अब बात ये होती है कि वहाँ पर एक नई मूवमेंट शुरू हो गई कि हमारे नौजवानों के बारे में जो भी बात करेगा हम उसको सहन नहीं करेंगे। ये जैसे मोदी साहब हिंदुस्तान में आर्मी का बहुत बड़ा ये एक अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ और हिंदुस्तान के रक्षा के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान में भी हुआ। तो आप ये बताइए मिश्रा जी कि ये जो वहाँ पर इस वक्त पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, ये भी एक मूव चल रही है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा जी, इसमें आपको कितना लगता है कि ये सक्सेसफुल होंगे? क्या पीटीआई को बैन किया जा सकता है? क्या आर्मी के अगेंस्ट इतने बयान देकर कोई लीडर जो है वो पाकिस्तान में अपना काम कर सकता? डॉक्टर साहब, अगर सिचुएशन आज के 20-25 साल पहले वाली रहती, यानी जब तक अमेरिका वगैरह ये सब पाकिस्तान के साथ थे, तो अब तक तो इमरान खान का खेल हो गया होता। बेनजीर भुट्टो और आप देखिए ये सब उदाहरण पड़े हुए हैं, और जुल्फिकार अली भुट्टो वगैरह के। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्पेशली अमेरिका का जो सपोर्ट रहता था, और अमेरिका का सपोर्ट वहां के पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिशियंस के ऊपर नहीं रहता था, आर्मी को रहता था, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई है, अगर वहां की आर्मी चाहती उतनी मजबूत रहती अब तक तो वो बहुत कुछ कर चुकी होती, ये सारी चीजें खत्म हो गई होती। लेकिन वहां की आर्मी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, उसको अमेरिका का सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इंटरनल टर्मोइल बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शंस हैं सारे पॉलिटिकल पार्टी में। आप ये देखिए, पहले तो कोई चुनौती जो है आर्मी को देता नहीं था, अब लोगों ने देना शुरू किया है, आर्मी इस प्रेशर में शांत है। मुझे लगता है कि पीटीआई को ये बैन नहीं कर पाएंगे, और लीथल तरीके से ये इमरान खान के अगेंस्ट अभी ये नहीं जाएंगे, मतलब वो सिचुएशन नहीं होगी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इमरान खान को कैद कर देंगे या फांसी पे चढ़ा देंगे, और ये बैन भी नहीं करेंगे। अगर ये बैन करेंगे तो पाकिस्तान को सपोर्ट इंटरनेशनल जो मिलता है वो इसलिए मिलता है कि जमहूरियत है वहां पे, वो लोग क्लेम करते हैं, एक नकाब ओढ़ा हुआ है, वो नकाब एकदम खत्म हो जाएगा, और अल्टीमेटली उसकी दिक्कत ये आएगी कि सपोर्ट आईएमएफ वगैरह से जो थोड़े बहुत अभी कहीं से चाइना वगैरह से मिल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस, इमेज क्राइसिस पाकिस्तान के लिए क्रिएट होगी, यानी पाकिस्तान की आर्मी के लिए क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी लीक से हट करके आउट ऑफ द वे जाके जियाउल हक वगैरह की तरह कोई डिसीजन लेगी। वो भी कोशिश ये करेगी कि मिनिमम डैमेज होते हुए इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए, सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए, चाहे इमरान खान शांत हो जाए या कुछ टाई अप हो जाए वहां की मिलिट्री के साथ, कैसे भी करके, तो सिचुएशन एक मॉडरेट वे में ही वहां चलती रहेगी, उपद्रव भी होता रहेगा, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो होते रहेंगे वहां पे, और उसके कारण जो इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस होगा वो होता रहेगा। पाकिस्तान आर्मी कोई बहुत ब्लंट एक्शन लेने के सिचुएशन में नहीं है। इनका जो आप अभी देखिए, जिन्होंने इमरान खान को बहुत ब्रूटल तरीके से, बहुत निर्दयी तरीके से घसीटा था, कॉलर पकड़ करके जो इन्होंने उसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद से आर्मी या किसी भी इदारे की हिम्मत नहीं हुई कि उस तरह का बिहेवियर वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ करे,
एटलीस्ट वो डिसिप्लिंड वे में गिरफ्तार कर मिश्रा रहे जी, मैं हैं। आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। इस वक्त तक 43 आदमी जो हैं वो पकड़ के आर्मी के ट्रायल में आर्मी को दे दिए गए हैं, नंबर वन। नंबर टू, बड़ा क्लियर इमरान खान को बता दिया गया कि तू जिस तरीके से आर्मी जनरल्स के अगेंस्ट बोलता है, हाँ जी, वो नहीं होगा। पहले क्या था कि इमरान खान की आर्मी में बहुत सपोर्ट थी और वहाँ पर कोर कमांडरों की बड़ी वैल्यू है। 7 कोर कमांडर पिछले महीने जो रिटायर हुए वो इस गवर्नमेंट ने अपने लगाए जो कि इमरान खान के थे। अभी 3 और इमरान खान के कोर कमांडर हैं जो कि अगले हफ्ते रिटायर हो रहे हैं और उसकी जगह पर भी ये अपने कोर कमांडर लगा देंगे। आर्मी की अब बहुत आर्मी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है क्योंकि वहाँ पर कोर कमांडर्स का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है आर्मी के ऊपर। और जो कोर कमांडर का घर जलाया गया है जी, जिसको जिन्ना घर कहा जाता है, किसी वक्त वो जिन्ना का घर था, बाद में अयूब खान ने उसको ख़रीद लिया और उसने आर्मी को वो जो है वो दे दिया। वहाँ पर कोर कमांडर का घर था, वो घर जला दिया गया। ये जो इशू है ये बड़ा इमोशनल इशू इस वक्त बना हुआ है और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आर्मी के पास वो ताकत नहीं है। आर्मी के पास ताकत है, जो इतने बड़े स्टेप उठाए गए हैं, जो 40 आदमी छोड़े गए हैं वो आर्मी के प्रेशर के अंडर आगे उन्होंने छोड़ा है कि हम आदमी बांझो नहीं तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। वो अपने आप नहीं गए, उन्होंने इमरान खान के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन आर्मी के प्रेशर के अंडर ये सब लीडर जो हैं ये छोड़ के जा रहे हैं। और आप देखना आने वाले टाइम के ऊपर पंजाब में एक और पीटीआई जो है वो बन के सामने आएगी, यही लीडर एक और पार्टी बना के सामने आएंगे। सो ये कहना कि जो है आर्मी वो कमज़ोर हो गई है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी बड़ी इसमें जो है रियलिटी है। डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उस वक्त के पाक आर्मी की सिचुएशन जब जहाँ पे पकड़ करके किसी भी नेता को जुल्फिकार अली भुट्टो वगैरह को और बिना किसी की परवाह किए हुए महीने डेढ़ महीने में सूली पे चढ़ा दिया जाता था, फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। आर्मी अभी जितने एक्शन ले रही है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से ले रही है ताकि कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल एजेंसी इदारा ये ना उठा पाए कि ये आपने डिक्टेटरशिप किया, आर्मी रूल आपने लगाया, पकड़ा उठाया और गोली मार दी और सूली पे चढ़ा दिया। यानी मॉडरेट तरीके को ये अपनाएंगे, ये कोर्ट के तरीकों को भी अपनाएंगे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो चाहे वहां का सुप्रीम कोर्ट हो, ये प्रोसेस को अब की बार फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे और बांग्लादेश में ये था कि वन साइडेड था, वहां पे उन्होंने बस फरमान सुना दिया जी ये गलत है और दूसरा मौका उन्होंने नहीं दिया किसी को भी, उन्होंने उस वक्त ये दूसरा मौका नहीं देते थे। इमरान खान अगर अभी तक पावर में है या पॉपुलर है वहां पे, भले ही वो कैद में है, तो उसके पीछे आर्मी की जो ठीक है मिलिट्री वाइज अगर देखा जाए बंदूकें वगैरह सब हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आर्मी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो सीधे पहुंच करके वहां पे फायरिंग कर दे और सूली पे चढ़ा दे। मेरे कहने का मतलब आर्मी जिस वे में कमजोर हुई है वो उतना ब्रूटल वे में एक्शन नहीं ले पाएगी, पहले कोशिश ये डेफिनेटली करेगी जो आपने भी बोला कि 40 लोगों के साथ कुछ गुप्त समझौता हुआ, कुछ ट्रीटी हो गई, हाँ भाई तुम भी मान जाओ हम भी मान जाए, उनको छोड़ दिया। इसके पहले पाकिस्तान की आर्मी ने किसी को भी पकड़ा उसको छोड़ा नहीं है, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो का रहा हो, चाहे कहीं पे भी रहा हो। प्रेम कुमार ये जी, एक चेंज वहां पे आया। अच्छा प्रेम कुमार जी, मैं ये देख रहा हूँ कि जो जर्नलिस्ट होते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम जो पास्ट है उसको बड़ा रिलेट करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ज़माना जो पास्ट का है, आज भी मैं जितने भी टीवी चैनल देख रहा था वो इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, हाँ जी, उनके क्या काम किए, फिर मनमोहन सिंह, अरे भाई ये पुरानी बातें हैं, ज़माना बदल गया है। आप अपने 9 साल की बात करो कि आपने क्या किया। यही ऐसे ही मिश्रा जी बात कर रहे हैं कि जी भुट्टो के टाइम पे क्या हुआ, उसके टाइम पे क्या हुआ। बात होनी चाहिए आज के टाइम की, आज क्या हो रहा है। आज वहाँ पर आर्मी ने दोबारा,
हैं जी। जहाँ तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, डेफिनेटली वो प्रो इमरान खान है। वो अगस्त में रिटायर हो रहा है, सितंबर में जो आर्मी इनके पॉलिटिशियंस के जो इस वक्त मुस्लिम लीग है उनका खास चहेता जो है वो चीफ जस्टिस लगने जा रहे हैं, तो तब तक ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि अच्छा जी उस वक़्त ये हो गया, उस वक़्त ये हो गया, उसका इस सिचुएशन से कोई मतलब नहीं। जो आर्मी होती है वो अपनी पावर कोड नहीं जाने दे रही पाकिस्तान में, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जो आर्मी है उसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेचर रहा है, उसी को एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो आप क्या सोचते हैं कि पास्ट के साथ रिलेट करके आजकल के जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको आपस में कंपेयर करना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब देखिए, पास्ट से कनेक्ट तो होता है और हमें ये जैसे पास्ट से ही ये कनेक्शन होगा। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत सेना की छत्र छाया से निकल नहीं पाई है, तो हम पास्ट से लेके अब तक पहुंच जाते हैं सिर्फ एक लाइन कहते हुए। आज भी इसके बावजूद कि वहां जमहूरियत लौटी, मगर सेना की छत्र छाया से सियासत नहीं निकल पाई। और एक ऐसे समय में जब कि इमरान खान की सियासत ऐसी हो चली कि उसने सेना से सीधे रार मोल लिया, यानी तकरार हो गई, तो सेना ने राजनीति को अपने ढंग से कंट्रोल करने के लिए वो सब कुछ करना शुरू किया जो वो कर सकती। तो इस हिसाब से देखें तो अब पाकिस्तान में पीटीआई से समझिए इमरान खान की पॉलिटिकल करियर को ख़त्म करने के लिए जो भी स्टेप्स संभव है वो अब लिए जाएंगे। और उसमें डराया जाना, धमकाया जाना, पार्टी को तोड़ना, नई पार्टी का गठन करना, ये सारी चीज़ें होंगी और सेना का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। अब जहाँ तक सेना के कमज़ोर और मजबूत होने की बात है, सेना देखिए इन चीज़ों से कमज़ोर या मजबूत नहीं होती कि इंटरनेशनली कहाँ से समर्थन मिल रहा है और कहाँ से नहीं मिल रहा है, ये कूटनीतिक बातें होती हैं। जब पाकिस्तान पर सेना का वर्चस्व होगा तो कूटनीतिक संबंध भी सेना के साथ ही बातचीत के हिसाब से डेवलप होंगे। आज पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल जरूर है और बदहाल होने के कारण जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनता का गुस्सा है, उस एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पार्ट अब सेना है। तो सेना अपने खिलाफ गुस्से को इमरान खान के खिलाफ कैसे टर्न हो, इस कोशिश में लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आसान काम है। इमरान खान अब भी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, इस जितना ये दमन होगा इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अलग बात है कि डर के मारे लोग उनके साथ जो है वो छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन अवाम की सहानुभूति जो है वो इमरान खान के साथ होगी। यही वो पॉइंट है जिस वजह से बहुत कड़ा एक्शन लेने में सेना को वैसा खुला एक्शन लेने में बन नहीं रहा है। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी एक्शन बुरा आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, वो सेना डायरेक्ट अपने से नहीं लेगी। वो कुछ हादसा हैपनिंग या इस तरह की आशंकाओं को क्रिएट करते हुए भले कुछ हो जाए, लेकिन सेना अब पाकिस्तान की राजनीति को अपने कंट्रोल में करने के लिए वो सब कुछ कर रही है, जिससे कि इमरान खान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो और उसका कंट्रोल स्ट्रांग हो। जी प्रेम कुमार जी, आपने बहुत ठीक ढंग से ये बात कही है कि यही आर्मी का वैसे पाकिस्तान में जो है आने वाला जो फ्यूचर है वो इसी पे डिपेंड करता है। और जैसे मैंने कहा कि कोर कमांडर जो हैं अब तकरीबन आर्मी के अपने लग गए हैं, जो इस वक्त चीफ है उसके लग गए हैं, और आने वाले तीन जो और रहते हैं वो भी उसी के लगने हैं अगले महीने। अब पाकिस्तान को छोड़कर आइए पहले मैं आप प्रेम कुमार जी आपसे पूछता हूँ कि हिंदुस्तान में ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये शोर डाल रही हैं कि आइए आपस में मिल के हम मोदी का मुकाबला करें। आपस में मिल के कौन सी पार्टी मिलना चाहती है? जी कांग्रेस के साथ अखिलेश नहीं मिलना चाहता, कांग्रेस के साथ ममता नहीं मिलना चाहती, कांग्रेस के साथ अपने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर
पटनायक साहब नहीं मिलना चाहते, कांग्रेस के साथ तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नहीं मिलना चाहते, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो हैं ही इस वक्त मोदी के साथ, तो केजरीवाल जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, हाँ जी उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो ये शो कर रहा है कि मैं ही एक अल्टरनेटिव हूँ जो है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में ये कांग्रेस इतना फराग दिली हो सकती है कि वो कह दे कि नहीं कोई बात नहीं आप लड़ लो, मैं अपनी 7-8 जो स्टेट्स हैं वहाँ पर मैं अपना शो कर लूँगी? इज इट पॉसिबल कि कांग्रेस में जो अहम है वो ख़त्म हो गया? डॉक्टर साहब देखिए, विपक्ष का की जो साझा रणनीति है ना, कोशिश साझा रणनीति बनाने की हो रही है, और साझा रणनीति का मतलब साझा चुनाव लड़ना हो ये जरूरी नहीं है। इस एक बात को अगर समझ लिया जाएगा तो वो पूरी कवायद भी समझ में आएगी। ठीक है, कांग्रेस से विभिन्न क्षेत्रीय दलों के हित नहीं मिलते, उनका मिलकर चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं दिखता, इसके बावजूद जो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार जी को सामने रख करके हो रही है उसमें कांग्रेस का हाथ है, उनकी सरपरस्ती है, ये सबको मालूम है। इसके बावजूद वहां ममता बनर्जी भी आ रही हैं, वहां अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं इसको समझने की जरूरत है। कांग्रेस निश्चित रूप से, मैं स्पष्ट राय रखता हूं कि जब तक संख्या बल कांग्रेस के पास नहीं आएगा कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाने की स्थिति में वो कोशिश नहीं करेगी, यानी नरसिम्हा राव वाली सरकार जो अल्पमत वाली बनी थी वैसी कोशिश कांग्रेस नहीं करेगी, वो किसी दूसरे की ही सरकार बनाने में उनकी रुचि होगी। लेकिन अब जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे शारदा साहब कि अगर कांग्रेस ने 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ना उत्तर प्रदेश में सोच लिया है तो ये अखिलेश यादव को नाराज करना होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिफरेंट राय रखना चाहता हूँ, वो ये कि कांग्रेस 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भी तो अखिलेश यादव की सहमति से लड़ेगी, अंदर खाने की सहमति से। अब इसको समझिए कि ये अंदर खाने की सहमति क्यों होगी, क्योंकि ये पूरा अनुभव बताता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जब चुनावी तालमेल हुए हैं कि कांग्रेस के वोटर समाजवादी पार्टी को नहीं चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी में भी जो यादव वोटर जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का वो भी बीजेपी को चला जाता है, कांग्रेस को नहीं जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं तो इन दोनों के अलग लड़ने से बीजेपी के खिलाफ वोट दो जगह बटते हैं, जो कि बीजेपी को जा सकते हैं वो नहीं जाते हैं, तो इनका अलग लड़ना म्यूचुअली फायदेमंद है। तो उन सीटों खास करके जो मुसलमान बहुल सीट है वही अपवाद है, वहां पर अगर दोनों कैंडिडेट देंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो वो फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन नॉन मुस्लिम वोटर्स में जो वोट बैंक कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का है वो म्यूचुअली ट्रांसफरेबल नहीं है। इसलिए ये दोनों मिलकर के भी अंदर खाने चाहते हैं कि कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़े ताकि समाजवादी पार्टी के लिए संभावना पैदा हो, यही वो कारण है कि 20-25 सीट पर, हालांकि कांग्रेस का जो 22 सीटों वाला इतिहास है उत्तर प्रदेश में जीतने का जिसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता है 2009 का, उस आधार पर 22 सीट लड़ने की बात कर रही, लेकिन 22 कौन सी सीट होगी ये समाजवादी पार्टी से मिल बांट करके ही तय हो। प्रेम जी आप मायावती को भूल ही गए कि वो कितनी सीटें काटेगी, मुसलमान उसके साथ जाते हैं जी, ये नहीं कि मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के साथ जाते हैं या सिर्फ एसपी के साथ जाते हैं अखिलेश के, वो मायावती के बहुत बड़े भगत हैं, अभी हमने देखा भी पिछले कुछ इलेक्शनों में। तो मायावती का क्या, मायावती तो जो है वो तो इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। आप सही पॉइंट, सही सवाल उठा रहे हैं, इसको मैं एड्रेस करता हूँ मायावती जी की सियासत को। देखिए मायावती जी का जो कोर वोट बैंक रहा वो दलित और उसमें भी जाटों, और जब जब जहां जहां वो जीतने की स्थिति में होती हैं तो मुस्लिम वोट्स भी उनके साथ पोलराइज होता है, जिस किसी सीट पर मायावती जी मजबूत होती है मुस्लिम वोट्स उनको मिलते हैं, लेकिन जहां विकल्प वो पहली प्रायोरिटी नहीं है मुसलमानों, आप देखेंगे कर्नाटक में भी जेडीएस
पहली प्रायोरिटी नहीं रह गई, पहले हुआ करती थी, उसी तरीके से मुसलमानों की खास करके। तो उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की पहली प्रायोरिटी नहीं है मायावती। हाँ, ये जो स्थानीय निकाय चुनाव हाल में हुए उसमें मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को पहली प्रायोरिटी नहीं माना है, कुछ जगहों पर ऐसे संकेत मिले हैं। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी उन्होंने वोट किया है जहां मौका मिला है, जब पहले नहीं, ट्रेंड से हट करके ये बातें हैं। तो इसलिए मायावती जी ने अपना जो बेस है, वोटर बेस, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर थ्रू किया है पिछले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो अपना प्रमुख दुश्मन समाजवादी पार्टी को मानती है, बीजेपी को नहीं मानती है। तो मुसलमान का जब जब सवाल आता है तो मुसलमान मायावती जी को अब बीजेपी के साथ ही देखते हैं। इसलिए मुस्लिम मायावती जी की पार्टी को तभी वोट करेंगे जब लगेगा कि यहाँ वही जीतेंगी, वो नहीं जीतेंगी तो बीजेपी जीत जाएगी। ये कंडीशन उत्तर प्रदेश में मायावती जी। मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, एक नीतीश कुमार लगे हुए हैं कोशिश में, और एक केजरीवाल जो इस वक्त तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनके साथ मिलके लगे हुए हैं। तो ये तो आपस में एक दूसरे को टकराने में लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जो है वो सारे हिंदुस्तान में कितना काम खराब कर सकता। डॉक्टर साहब, केजरीवाल ठीक है अपने आप को एक विकल्प के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी इतनी मैच्योरिटी पार्टी में नहीं है। अभी आप देखिए दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए थे एमपी वगैरह के, वहां पे सारी की सारी सीटें बीजेपी की मिली, जबकि केजरीवाल जी विधानसभा में बड़े प्रचंड बहुमत से आए हुए हैं, तो दिल्ली में भी इनका इम्पैक्ट नहीं रहा। तो बाहर तो ये नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो इनका एक परसेप्शन बिल्डिंग है कि भाई मी टू, मैं भी लाइन में हूं, और अभी काफी टाइम लगेगा अगर पैन इंडिया लेवल पे और एमपी इलेक्शंस के लिए देखा जाए कि वहां पे ये कितना डैमेज कर पाएंगे, कितना अपने लिए विन कर पाएंगे, वो एक दूर की कौड़ी है। अभी नीतीश बाबू की जो आपने बोला वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मुझे लगता है। देखिए, नीतीश बाबू को ये पता है कि वो सहयोग से सरकार चला रहे हैं, अपने बूते तो मेरे ख्याल से कभी भी वो प्रचंड बहुमत या पूर्ण बहुमत ले नहीं पाए, कभी न कभी हर बार, कभी न कभी नहीं हर बार उनको कोई न कोई सपोर्ट चाहिए ही, और वो जुगाड़ की टेक्निक लगा करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसके कंपेरिजन में ममता बनर्जी को देखिए जो अपने बूते वहां पे सरकार बना रही है। अब दोनों स्टेट की सिचुएशन आप देखिए तो लगभग बराबर है, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं सोचेंगे कि मैं तो नीतीश बाबू से बेहतर हूं, एक्सेप्ट कि हिंदी भाषी चेहरा और हिंदी लैंग्वेज को अगर छोड़ दिया जाए, नीतीश बाबू अच्छा हिंदी बोल लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ममता बनर्जी। तो यहाँ पे 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस ये सोच रही है कि हम केवल नाखून कटा दें और शहीद डिक्लेयर हो जाए या राजा बन जाए, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का ये मानना है कि आप लोग हमें किंग इसलिए मानिए या अगुआ इसलिए मानिए क्योंकि हम सबसे पुरानी पार्टी है, कभी हमारा राज था, ये था, वो था। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां डेवलप हुई हैं, जो क्षेत्रीय नेता डेवलप हुए हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, और वो भी बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। वो इतने जल्दी की जी केवल कांग्रेस आ गई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी आ गए, वो अपना सब कुछ लूज करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि सब कुछ उन्होंने कांग्रेस के चरणों में डाल दिया। ये सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा टर्मोइल का कारण होगा। ये प्रॉब्लम, ये चुनौती अगर विपक्ष सॉल्व कर ले कि कितने सीटों पे कौन कहां लड़ेगा। आपने बताया कांग्रेस के 2% यूपी में है और 25 सीटें लड़ रही है, 80 सीटें हैं, तो 30-35% सीट लेगी 2% वोट के अगेंस्ट पे, तो कहीं से लॉजिकल नहीं है। अखिलेश यादव तो ये सवाल उठाएंगे, अरे 2% वोट है तो 2% सीट ले लीजिए, 80 में 2% 1.5 सीट के आसपास होता है, आप 2 सीट पे लड़ लीजिए। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारे क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो अपनी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। और इसका समाधान ये लोग कैसे निकालेंगे, अभी देखिए मीटिंग कई बार हो चुकी है, सोल्यूशन कोई कॉन्क्रीट हम लोगों के सामने आ नहीं रहा है, कोई एक मत आ नहीं रहा है। यही देखना है, अगर ये सोल्यूशन आ गया ठीक तरीके से, मिश्रा जी, कुछ हो सकता है। मिश्रा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि वेस्ट बंगाल, बंगाल में जो इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो एक किस्म की डिक्टेटर हैं। अब ममता बनर्जी जो हैं है, उसके अगेंस्ट कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके अगर इलेक्शन लड़ेगी
हैं, चाहे वो 10 सीटों पर लड़े, 20 पर लड़े, तो वो टोटल जो अपोजिशन वाली पार्टियां हैं थ्रू आउट इंडिया, उसके अगेंस्ट एक ऐसा संदेश भेजेंगी कि डोंट रिलाई अपॉन कांग्रेस। नहीं, ये अभी भी ये मुद्दा यही है। देखिए, आप ये देखिए, कांग्रेस का अभी कुछ सालों पास्ट का परफॉर्मेंस, अखिलेश यादव के साथ जब ये लड़े थे और कहीं अगर ये गठबंधन में लड़े थे, तो ये एक इमेज बनी हुई है कि कांग्रेस, जो मैंने बोला कि बिना कंट्रीब्यूशन किए हुए ये किंग बनना चाहते हैं, यही तो सबसे बड़ा जो है मुद्दा है कि कांग्रेस के ऊपर आप रियलाइज मत करिए कि इनके साथ होने पर जीत हो जाएगी। इस चीज के भरोसे की गारंटी कांग्रेस नहीं दे पा रही है, यानी कांग्रेस खुद को ये प्रूव नहीं कर पा रही है अपने सहयोगियों के बीच में, अपोजिशन में जो इनकी टोली है, कि भाई आप हमारे साथ लड़ेंगे तो आपको फायदा होगा। अपोजिशन के सारे नेता अभी इस डाउट में है कि कांग्रेस के साथ अगर हाथ मिलाया तो पता चला फायदे की जगह नुकसान हो जाए। अब एक केस स्टडी लीजिए, ममता बनर्जी अगर मैक्सिमम सीट अकेले जीत सकती है तो कांग्रेस के साथ जाने पर डेफिनेटली नुकसान होगा, चाहे हारे या कांग्रेस अगर सीट जीतती है तो वो प्योर टीएमसी के झोली से हट के कांग्रेस में चला जाएगा। कभी भी वहां के नेता कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं, ममता बनर्जी को चुनौती दे सकते हैं। तो ममता बनर्जी तो चाहेंगी ना कि बंगाल में एटलीस्ट हमारे यहाँ अगर मैं अधिकतम सीट अपने बूते पे जीत सकती हूँ तो मैं अपने बूते पे जीतूंगी, और जो अधिकतम सीट लाएगा, पीएम का चेहरा कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो हर पार्टी चाहेगी कि अपने बूते पे वो अधिकतम सीट ले आए। ये क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा रोड़ा बना रहेगा सीटों के बंटवारे में। अखिलेश यादव डेफिनेटली चाहेंगे कि अगर 80 में से 50 सीट, 25 सीट, 60 सीट आ जाती है तो राज्यसभा में लोगों को भेजने का अच्छा मौका उनके पास रहेगा, तो कोई क्यों शेयर करेगा जहां जीत की गारंटी नहीं है। कांग्रेस की जीत की गारंटी बहुत सारे स्टेट में नहीं है, बंगाल में ही आप देखिए ना, चुनाव लड़ने को लड़े, इनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, यूपी में वर्कर नहीं मिलते हैं। तो कोई भी आदमी इस चीज पे समझौता नहीं करेगा कि किसी भी रीजन से उसकी सीटें कम हो, क्योंकि लोकसभा जीतने का मतलब कि आपकी संख्या बल में इजाफा, और राज्यसभा में उतने ही कैंडिडेट आप ज्यादा भेज सकते हैं जितने की लोकसभा में आपने जीती हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रेम जी, ये जो आने वाले इलेक्शन है मध्य प्रदेश में, अपने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं, इस इलेक्शंस में आपको कांग्रेस कहाँ पे स्ट्रांग नजर आती है और कहाँ पे वीक नजर आती है? जी, ये तीन प्रदेश जो हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधे फाइट होने वाली है, उनमें बीजेपी मध्य प्रदेश हार सकती है, कांग्रेस वापसी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हल्का सा एज आज की तारीख में है, सीटें कम होगी कांग्रेस की, लेकिन शायद सरकार बनती दिख रही है। और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस लूज कर सकती है। ये तीन प्रदेश के बारे में मेरा आकलन यही है, लेकिन इसके कारणों पर अगर जाएं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की वजह से नहीं हारेगी, बीजेपी अपने फैक्शनलिज्म के कारण हारेगी, गुटबाजी के कारण हारेगी, नेतृत्व को एकजुट नहीं करने के कारण हारेगी। अब भी जो स्थिति बनी हुई है और अभी वहां के वातावरण को देखते हुए एक सिम्टम्स जो होता है पार्टी छोड़ना, एक पार्टी से छोड़ के दूसरे में जाना, तो मध्य प्रदेश में ये प्रवृत्ति कांग्रेस की ओर है, यानी बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। तो ये सिम्टम्स कर्नाटक में भी दिखा था, तो उस आधार पर हम ये मेरी बात की पुष्टि हो रही है उसमें, और यही चीज छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है कि बीजेपी से नेता छोड़ के कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान एक डिफरेंट है, राजस्थान में खुद कांग्रेस इतनी जबरदस्त तरीके से दो धड़ों में बटी हुई है कि, और इसका जवाब फायदा बीजेपी उठा सकती थी। प्रेम जी, राजस्थान के बारे में, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा बटी हुई है, जो पायलट है वो तो अपनी सीट ही जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका कोई इतना बड़ा, अजमेर के बाहर कोई इतना बड़ा नहीं है इम्प्रेशन, कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ एमएलए भी नहीं है, और जिस ढंग से वहाँ पर कांग्रेस के चीफ मिस्टर गहलोत ने काम किया है, जी, जिस तरीके से जोड़ के उसने एमएलए रखे हैं, जिस तरीके से उसने लोगों के बीच में जी वो काम कर रहे हैं, बीजेपी में तो इस वक्त इतनी ज़्यादा लड़ाई है कि वहाँ पर 5 लीडर हैं
और वसुंधरा को जिस तरीके से इन्होंने येदुरप्पा को एक साइड पर किया था कर्नाटका में, अगर इन्होंने वसुंधरा को एक लाइन पर कर दिया एक साइड पर, तो वसुंधरा ही एक ऐसी लोकल लीडर है जो कि सारे राजस्थान में पॉपुलर है। तो आप ये बताइए कि कांग्रेस जो है उसमें पायलट का, आई डोंट थिंक कि पायलट कैन क्लेम दैट मच, क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा 8-10 सीटों से ज़्यादा कहीं असर नहीं लगता मुझे। और वसुंधरा जो है वो बहुत पॉपुलर लीडर है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसको मोदी जी और अमित शाह एक साइड पर करना चाहते हैं, इसका क्या, ये दोनों की लड़ाई के बीच में बताइए। जी जी देखिए, एक बात जो कही जाती है कि सचिन पायलट के पास कुछ विधायक हैं, दर्जन भर विधायक हैं, अब वो भी नहीं रह गए, तो इसमें इसको थोड़ा सा इस रूप में समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन अशोक गहलोत के साथ रहता है, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो अब इस मुख्य धारा से हट करके अगर वो 10-12 का भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो ये उनका कैपिटल है, लेकिन अशोक गहलोत का इतना भी है कि नहीं, ये साबित होना बाकी है। ये साबित तब होगा जब कांग्रेस अपना समर्थन हटा लेगी और वो अब इंडिविजुअली अपना परफॉर्म करेंगे। तो इस बात को हम ये कमजोर या मजबूत के तौर पर न देखें, बल्कि ये देखें कि आलाकमान जो है कांग्रेस, मुगल कांग्रेस जो है, किस दोनों में से किसके साथ खड़ा है। अभी तक अशोक गहलोत के साथ खड़ा है, लेकिन सचिन पायलट को अगर सुलझाया नहीं गया, साथ में नहीं लिया गया, तो वो ऐसा नहीं है कि यूं ही चुनाव छोड़ देंगे, वो फिर आघात करेंगे, प्रतिघात करेंगे। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का जितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी खुद गुटों में बटी हुई है, तो ऐसे में वसुंधरा राजे जो कि बहुत स्ट्रांग हैं, उनको अगर उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो बीजेपी के लिए भी फिर संभावना जो है वो बिखरी हुई बीजेपी उस इस कमजोर कांग्रेस से भी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर भी मैं यहाँ बीजेपी को एज दूंगा अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ। मिश्रा जी, तेलंगाना में जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, कांग्रेस वहाँ पर फुल फ्लाइट इलेक्शन लड़ना चाहती है और बीजेपी भी वहाँ पर अपना समिति है कि अगली बार हम ही हराएंगे चीफ मिनिस्टर को, तो तेलंगाना की जो सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन होना है, तो तेलंगाना की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? और फिर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी टच करें। डॉक्टर साहब, देखिए साउथ इंडिया स्पेशली कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर वगैरह थोड़ी अलग होती है, वहाँ पे जो कांग्रेस और बीजेपी हैं उनको थोड़ा चैलेंज ज्यादा वहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, और होता ही है, आप देखते इस चीज को देखिए जो है। तो तेलंगाना की अगर बात करें तो वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लीडर है, TRS वगैरह है, वो एक ज्यादा कन्विंसिंग पार्टी मुझे लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस या इन कंपैरिजन ऑफ बीजेपी। ठीक है, डेंट हो सकता है, लेकिन उनको रिप्लेस करना, स्पेशली साउथ में अगर देखा जाए, कर्नाटक जो इनका गढ़ था बीजेपी वालों का, इन्होंने बहुत मेहनत की, सारी चीजें की, लेकिन चूक हो गई, इनसे जो है वो वहां नहीं कर पाए। तो तेलंगाना में प्रभाव इनका बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, लेकिन कमिंग अगर ये देखा जाए कि 1-2 साल के भीतर अगर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए तो मुझे वो नहीं दिखता है। हिंदी बेल्ट में तो मिरेकल बहुत तेजी से हो सकता है, उसके कुछ रीजन है, क्योंकि सारे बीजेपी या कांग्रेस के फेसेस जो हैं वो हिंदी बेल्ट के हैं, हिंदी अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन, डायलॉग डिलीवरी वगैरह अच्छा कर सकते हैं। साउथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों के सामने आ रही है कि एक बहुत पॉपुलर फेस वहां पे बनाना लोकल लेवल पे, ये दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल है, कांग्रेस और इनके लिए, जो लोकल लेवल पे इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट तरीके से पार्टी को वहां लीड कर सके, ये चैलेंज रहेगा वहां पे। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में देखिए, भारतीय जनमानस में अगर कोई एक चेहरा पॉपुलिस्ट हो जाता है ना, कोई नेता अगर पॉपुलर हो गया, तो उसकी इमेज को रिप्लेस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। वसुंधरा राजे के साथ यही है कि वो ठीक है, पूरी तरीके से वो जीते या ना जीते बात दूसरी है, पार्टी में चले या ना चले, लेकिन एक पॉपुलर फेस तो है ही, CM वगैरह रही है, वहां के लोगों में उनकी पैठ है और मानसिक तौर से लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। तो अगर ये बीजेपी का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ
तो वसुंधरा राजे को नलीफाई करना या नेग्लेक्ट करना ये डेफिनेटली घातक होगा, कितने परसेंट होगा ये डिफरेंट चीज है कि दूसरे लोगों की इमेज कैसे बनती है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो गहलोत साहब की एक खूबी है कि आंतरिक तरीके से उन्होंने अपने विधायकों को बांध के रखा है, अब चाहे जो उनका मोटिवेशन का फंडा हो, लीडरशिप की स्टाइल हो, लेकिन घात लगाने की अगर बात आएगी तो सचिन पायलट अभी लगता है कि उनके साथ 5 विधायक भी नहीं है, 10 विधायक भी नहीं है, लेकिन जब वो खुल के अलग होंगे तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो बड़े प्रभावशाली होते हैं, जिनके जेब में वोट बैंक होता है अपने अपने एरिया में, और वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिनको करंट सरकार में कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिली या उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरी पार्टी या दूसरे विकल्प को तलाशेंगे। कोई भी पार्टी अंतर्कलह के कारण जब टूटती है, शिवपाल यादव का एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, तो ये एक फैक्टर रहेगा। दूसरे राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ वगैरह की, तो जहां पे कांग्रेस अगर आई है तो कांग्रेस को एक एस तो मिलेगा। अगर कांग्रेस जैसे कर्नाटक में अगर कांग्रेस बन गई है तो 4-5 साल में चूंकि इनको काम करने का मौका मिलेगा, जब आप सरकार में रहते हैं तो आपकी ताकत थोड़ी ज्यादा रहती है, इन कंपेरिजन आप विपक्ष में रहने, आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं विपक्ष में रहके, केवल नारेबाजी और विरोध के सिवा आप कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो कांग्रेस उसको होल्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, एक इंपॉर्टेंट चीज और, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों ने बोला नहीं, कर्नाटक पे हार पे कोई बहुत वो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी वाले बहुत अलर्ट हो गए हैं और ये उनकी खूबी है कि उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि वो बहुत तेजी से चीजों को एनालाइज करके कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं और सुविधा संपन्न है। आज की डेट में जितनी सुविधा संपन्न बीजेपी है उतनी कोई पार्टी नहीं है, ना नेशनल ना रीजनल लेवल पे। तो ये अपने आप को बहुत तेजी से रीऑर्गेनाइज करेंगे। एमपी में जो शंका जाहिर की जा रही है वो मुझे एक दिवा स्वप्न लगता है। कर्नाटक के बाद बीजेपी ने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि इस तरह की सिचुएशन एमपी राजस्थान में ना आए, तो उसके लिए मनन चल रहा होगा, तो वो वहां पे अलर्ट है। और एमपी में मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस वगैरह या कोई ऐसी पार्टी इतनी स्ट्रांग हो गई है। हाँ, एक वेव चल जाए कि भाई लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, कांग्रेस को नकार दिया, या एक ऐसी वेव चल गई कि किसी एक पार्टी को लोगों ने ऑटोमेटिकली लाइक करना शुरू कर दिया, तो वो वेव क्रिएट करने की भी कैपेसिटी मुझे अभी नहीं दिख रही है। जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होंगे, तो कैसे क्या होगा वो पता चलेगा, लेकिन बीजेपी को कमजोर मत आंकिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी के अंदर सेल्फ रीस्ट्रक्चरिंग की कैपेसिटी बहुत तेज है और बीजेपी कभी भी अब आगे गलतियां नहीं करना चाहेगी कि मध्य प्रदेश जैसा इंपॉर्टेंट और बड़ा स्टेट इनके हाथ से चला जाए। प्रेम जी, क्या सीपीआई जो कि केरला में मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती है, क्या सीपीआई जो है, सीपीआई तो चलो ख़त्म हो चुकी हुई है, एम भी नियर अबाउट ख़त्म है, सीपीआईएम के जो येचुरी साहब हैं, कांग्रेस उसको हर फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, क्या ये और लोगों को और पार्टियों को नाराज करने वाली बात नहीं करते? देखिए, ये आज की का फेनोमेना नहीं है। मुझे ध्यान आता है जब जब चर्चा होती है कि नेहरू जी ने ईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार गिरा दी थी, तो उसके बाद ईएमएस नंबूदरीपाद ने अपनी सरकार गिरने के बावजूद नेहरू जी को ज़्यादा लोकतांत्रिक बताया था, उनकी उनके पक्ष में बातें बोली थी। तो ये एक वैचारिक धरातल है कि लेफ्ट और कांग्रेस में चाहे जितना झगड़ा हो जाए, लेकिन जब दक्षिण पंथी संगठन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सवाल आता है तो ये दोनों इकट्ठा होते हैं और अनकंडीशनली हो जाते हैं। तो यही वो मोहब्बत है जिस वजह से कांग्रेस जो है अक्सर इतना महत्व देती है। और पश्चिम बंगाल की सियासत ने भी इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया, त्रिपुरा में इन दोनों में गठबंधन हुआ। तो आने वाले समय में भी मैं इसी सवाल के साथ में जो आपने किया है थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं, जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि ममता बनर्जी कैसे चुनाव लड़ेगी कांग्रेस या लेफ्ट के साथ में। नहीं लड़ेगी ममता बनर्जी चुनाव, या इनको भी ममता बनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है। असल में बात यह है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, उसको ये तय करना होता है कि उसका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी है।
तो वो मुख्य प्रतिद्वंदी को बनाए रखने के लिए वो चुनाव मैदान में होगी, तो इसके लिए कांग्रेस का साथ मिले या ना मिले उनके लिए कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। तो कांग्रेस और लेफ्ट एक नेचुरल एलाय बन जाते हैं वहां पर, पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में बने, लेकिन उसका फायदा उनको नहीं मिला। लेकिन आप देखिए तेलंगाना जैसा प्रदेश, तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस के अगेंस्ट में प्रतिद्वंदी नहीं है, वहां कांग्रेस प्रतिद्वंदी है। तो बीआरएस की जो भी रणनीति होगी कांग्रेस को ध्यान में रख करके होगी, बीजेपी को ध्यान में रख करके नहीं होगी। लेकिन बीआरएस की अपनी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एंटी बीजेपी मूवमेंट खड़ा करना और प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना, ये एक हिपोथेटिकल रास्ते पर वो चले हैं। लेकिन स्टेट की जो रियलिटी है उसमें बीजेपी उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। तो इसी हिसाब से क्षेत्रीय जो राजनीति राष्ट्रीय राजनीति के साथ में समन्वय बिठा रही है कि एक खेमा बीजेपी के साथ होता है और एक खेमा कांग्रेस के साथ होता है, लेकिन मूल मकसद अपना हित है। कोई कांग्रेस के फेवर के लिए कांग्रेस से समर्थन करने नहीं आ रही, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जो बीजेपी के कारण उनको पैदा हुआ है, उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा हुआ है, इसलिए उनको कहीं कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए तो वो इतना ही भर ममता बनर्जी जी का कांग्रेस के साथ संबंध है और इससे ज्यादा नहीं। जी मिश्रा जी, आप दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं और आप कहते भी हैं कि मैं यूपी की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह डीप समझता हूँ। यूपी में जो इलेक्शन जब होगा 2024 में, तो वहाँ पर जो अखिलेश पिछली बार सिर्फ 5 सीटें जीता था, वो भी मायावती के साथ मिलकर, और मायावती 10 जीती थी। इस बार आपको क्या लगता है कि अखिलेश की जो पार्टी है, जिस बार उसने 12% ज़्यादा वोटें ली थी ये असेंबली इलेक्शन में, उनको कोई फायदा होगा या किसी और पार्टी को फायदा होगा? डॉक्टर साहब, अभी हाल के कुछ दिनों की घटनाएं देखें और यूपी के लोगों की हम ग्राउंड रियलिटी देखें, और कोई एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबकी कर रहा हूं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर या जिस तरीके की भी उनकी लीडरशिप स्टाइल रही है, वो गलत है या सही है ये डिबेटेबल है, लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी को बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा जो चैलेंज हमेशा रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। और आज की डेट में तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यूपी में इस वक्त जो व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस भी फेल है, उसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। हम लोग जहाँ रहते थे वहां पे शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था, कभी पर्स गायब कभी चैन गायब हो जाता था, और आज की डेट में आप पूरा का पूरा सोना पहन के निकल जाइए, हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की पूछने की। ये जो एक फैक्टर है उसने बीजेपी को इतना स्ट्रांग यहाँ पे किया है, गेन करने की बातें तो आप छोड़ दीजिए। मुझे लगता है यूपी में अब वो मुद्दे जो हुआ करते थे जाति के आधार पे, माई फार्मूला जो मुलायम सिंह यादव जी का था यानी मुस्लिम और यादव वाला, या बहन जी का भी जो फार्मूला रहा करता था 16-17% उनका फिक्स वोट बैंक जो दलितों का रहता था, वो सारी की सारी चीजें कमजोर हुई हैं। और एक तरीके से मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि एक पक्षी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो भी होगा वो बीजेपी के फेवर में होगा, और ऐसा कोई फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है जिसपे कि विपक्ष जो है बीजेपी यूपी की ही मैं केवल बात कर रहा हूँ कि यूपी की पॉलिटिकल पार्टियां ये डोमिनेट कर जाएं बीजेपी के ऊपर और उनके जितने भी नेता हैं मुख्यमंत्री से लेके सारी चीजें, सुविधा वगैरह की तो छोड़ ही दीजिए। मैंने बोला कि जितनी स्ट्रांग और संपन्न आज की डेट में बीजेपी है उतना कोई नहीं है, चाहे आईटी सेल हो चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो। आप देखिए अभी इलेक्शन आया था, 17 के 17 सीटें इन्होंने ये नगर निकाय मेयर एवर का जो होता है वो योगी जी ने जीता, जो कि एक रिकॉर्ड कायम हो गया। 100% स्ट्राइक रेट की बात अगर करें तो ये दिखाता है कि लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ जबरदस्त है, और विपक्षी पार्टियां ये कोशिश करें कि जितनी परफॉर्मेंस खराब परफॉर्मेंस पिछली बार इन लोगों की हुई है ये उससे खराब ना होने पाए। और यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ प्रूप का इक्का साबित हो चुके हैं, इनकी फेस वैल्यू इनकी इमेज इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो यूपी के लोगों को चाहिए ठीक उसी तरीके से बनी हुई है, तो यूपी में तो कुछ भी कर पाना मुझे बहुत असंभव लगता है। ये इन्होंने बात इस असात मेयर्स की, शायद इन्होंने यूपी के सारे इलेक्शनों के बारे में नहीं देखा जो बाकी के इलेक्शन हुए हैं,
जो मतलब छोटे लेवल पे रखे हुए हैं उसमें एसपी ने बहुत गेन किया है और बीजेपी ने लूज किया है। सिर्फ सात सतारह मेल जहाँ जहाँ पर वोटर्स हैं रूरल एरिया में जी, वहाँ पर उन्होंने लूज किया, बीजेपी ने लूज किया और अभी लूज किया। और जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें भी 12% वोट जो है एसपी ज़्यादा लेके गई है। तो ये क्या तर्क है कि भाई बीजेपी जो है वो उसको कोई वहाँ पर हरा नहीं सकता, जबकि सामने अभी रिजल्ट, ये तो अभी 2 महीने के रिजल्ट है ना, महीने के रिजल्ट है, जिसमें 17 मेयर्स को छोड़कर सिटीज़ के बाकी जो इलेक्शन हुए हैं जी विलेजेस में और दूसरे सूबों में दूसरे इलाकों में, वहाँ पर बीजेपी ने लूज़ किया है काफ़ी। जी जी, आप जो कह रहे हैं शारदा साहब, इससे संबंधित 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट छपी है अखबार में, अमर उजाला में मैंने पढ़ा, 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर कि नगर निकाय चुनाव के नतीजों को सामने रखते हैं तो बीजेपी ये 14 लोकसभा सीट जीतने नहीं जा रही है। नगर निकाय चुनाव में जितने वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट में पड़े या बीजेपी जीत नहीं पाई या समाजवादी दूसरे दल जीते, उसमें 14 लोकसभा सीट स्पष्ट रूप से है जहां बीजेपी नहीं जीतेगी अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहता है। ये एक बड़ी बात है उस जो आप कह रहे हैं उससे मुतल्लिक। दूसरी बात यह है कि 10 लोकसभा सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, वो विधानसभा में कांग्रेस के मुकाबले भी एक सीट कम रह गई। भाई कांग्रेस को तो एक सीट मिली भी, लेकिन बीएसपी कहाँ खड़ी है? तो वोट परसेंटेज हालांकि कांग्रेस से बेहतर है, मगर इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस जो है बहुत बुरा होने वाला है। ये आप मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसका वोट बैंक ही उससे खिसक गया है। वो 10 बहुत दूर की बात है, 1-2 भी जीत ले तो बहुत बड़ी बात होगी बीएसपी की। तो अब इन सीटों को बीजेपी जीत ले तो उसका उसकी संख्या बढ़ेगी, इन सीटों को अगर समाजवादी जीत ले तो उनकी संख्या बढ़ेगी। ये वो एरिया है जहां पर के रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने के लिए बीजेपी लगी हुई है कि कैसे बीएसपी को हराया जाए, बीएसपी की सीटें जीती जाएं। तो अब इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो मायावती जी कुछ सीटें अपनी बचा ले जा सकती हैं, ये बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत इतना आसान नहीं है कि पूरे बीजेपी की तरफ है या बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है, मिला जुला है। कहीं जाति काम कर रहा है, कहीं किसान काम कर रहा है, कहीं लाभार्थी काम कर रहा है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वोट मिल रहे हैं। ये मिला जुला उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को आप इंडिया के रूप में देख सकते हैं, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासत है। मिश्रा जी, राम मंदिर मार्च में उसकी मतलब ओपनिंग हो जानी है, वो कितना बड़ा अफेक्ट करेगी हिंदी बेल्ट में, बिहार, अपने दिल्ली, उड़ीसा में तो नहीं, लेकिन बिहार, यूपी, उड़ीसा, अपने दिल्ली एंड हरियाणा। डॉक्टर साहब, ये बात आपने बड़े मार्के की है, जो आगे आने वाले इलेक्शंस है, मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि ये तो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, मतलब सेंट्रल टीम से कोई नहीं गया था, स्टार प्रचारक वगैरह कोई जरूरत भी नहीं थी। जब 2024 का इलेक्शन आएगा, केवल यही नहीं, बीजेपी के पास इतने अस्त्र पड़े हुए हैं, जब एक के बाद एक उद्घाटन होंगे जिसमें सबसे प्रमुख रहेगा राम मंदिर, और राम मंदिर ओपन होने का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो यूपी के इलेक्शन 2024 पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन दूरगामी असर पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा, क्योंकि राम को मानने वाले ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है और किसी स्टेट में नहीं है, मेजॉरिटी तो इन्हीं लोगों की है। और मैं अभी जो मुझे लगता है, राम मंदिर ओपन होगा तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पिलिग्रिमेज या रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस बनेगा, मक्का मदीना वेटिकन को भी ये फेल कर देगा। नहीं नहीं, ये छोड़िए, नहीं नहीं, ये मिश्रा जी आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मक्का मदीना को तो बीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जिस ढंग से मुस्लिम कम्युनिटी
जिस ढंग से जो जोश में आती है उस ढंग से अभी हम जोश में नहीं आते, नंबर वन। नंबर टू, आप भूल जाते हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं जिनका बैथलहम में जी जहाँ अपने क्राइस्ट पैदा हुए थे, वहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद गया जेरूसलम में, जेरूसलम में क्रूसीफाई जहाँ पर क्राइस्ट को किया गया था वहाँ पर चर्च है, वहाँ पर आप किसी भी दिन चले जाइए साल में, आपको अंदर जाने के लिए वेट करनी पड़ती है चर्च में। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यही दुनिया का सबसे बड़ा बन जाएगा, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। डॉक्टर साहब मैं एक उदाहरण देता हूँ क्वांटिफाई करके विद फिगर्स। बात उन दिनों की है जब मैं इलाहाबाद में रहा करता था, हमारा अपना मकान है प्रयागराज में, कुंभ मेला था तो उस वक्त का फिगर मुझे याद है, महाकुंभ लगा था जो 12 साल में एक बार लगा था। एक महीने के लिए पंचांग के हिसाब से जो भी मुहूर्त बने थे, चार स्नान होते हैं, एक महीने के लिए 7 करोड़ से ज्यादा लोग इलाहाबाद में आए थे, बाहर के 7 करोड़ से ज्यादा आए थे। और इलाहाबाद प्रयागराज की पॉपुलेशन उस वक्त जो थी मुझे याद है कोई 12 या 14 लाख थी, 12-14 लाख के पॉपुलेशन में 7 करोड़ बाहर के लोगों को इंटरटेन करना, कितनी बड़ी व्यवस्था सरकार जो भी रही हो समाज ने और सरकार ने किया था। आप ये देखिए कि अगर 7 करोड़ लोग वहां पे आ सकते हैं और पर्टिकुलर एक दिन के एक मुहूर्त पे, एक नहावन पे, स्नान पे, जैसे पूर्णिमा का हो गया या ये जो चार पड़ते हैं मेन, वहां पे केवल एक दिन में आप देखिए तो करोड़ों लोग होते हैं। और 14 किलोमीटर लंबा गंगा जी का पाट था किनारा, और 14 किलोमीटर लंबे पाट पे दोनों तरफ तिल रखने की जगह नहीं होती है जिस दिन मुख्य स्नान पर्व होता है। रख लीजिए भारतीय तो कम पहुंचेंगे, सबसे पहले अमेरिका और कनाडा से लोग वहां पे पहुंचेंगे। और कितने विजिटर आते हैं, कितने पिलिग्रिम्स आते हैं या टूरिस्ट लोग आते हैं, ये आने वाला भविष्य बताएगा। नंबर को आप भी नोट करिएगा और मैं भी नोट करूंगा। मैंने एक पास्ट का एग्जांपल आपको दिया है, एक दिन में इतनी भीड़ हो जाती है जितनी कि शायद साल भर में वहां पे विजिटर या टूरिस्ट नहीं पहुंचते होंगे। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट। प्रेम जी आखिर में, आखिर में आप कंक्लूड कैसे करेंगे? देखिए मैं यहाँ कंक्लूड करूं जहाँ मिश्रा जी बोल रहे थे या ओवरऑल कंक्लूड कर जी जी देखिए मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, कुंभ का उदाहरण दे रहे हैं, कुंभ निश्चित रूप से भारत में ऐसा मेला होता है जो बिना किसी बुलाए, बिना किसी न्योता के करोड़ों लोग जुटते हैं। और इस बार भी जब कोरोना के समय में इधर हरिद्वार में लगा था तो 30 लाख के करीब हर रोज लोग आ रहे थे। तो ये आंकड़ा फिगर है, मगर हम ये कहते हैं कि मंदिर का जहां तक सवाल है तो मंदिरों में जाना आम हिंदुओं के लिए एकदम से कोई आवश्यक शर्त या आवश्यक परंपरा या आवश्यक बात है नहीं, होती नहीं, मंदिर जाना अवॉइड करते हैं ये। बल्कि आपको साईं बाबा के मंदिर में शिरडी में जितनी भीड़ जुटती है दूसरे किसी मंदिर में नहीं जुटती है, ये स्थिति है। तो ये बात सही है मिश्रा जी की कि राम मंदिर बनता है तो विदेश के टूरिस्ट ज्यादा आएंगे, टूरिस्ट आएंगे लेकिन श्रद्धालु आएंगे कि नहीं आएंगे ये बड़ा प्रश्न है। उसके बाद राजनीतिक रूप से वो देखें तो राम मंदिर, राम श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई चुनाव नहीं जीता है, हर चुनाव में जब जब उन्होंने श्री राम को मुद्दा बना के वोट लेना चाहा उनकी पराजय हुई है। भाई जब बाबरी विध्वंस हुआ या उसके तुरंत बाद बीजेपी की सरकारें बर्खास्त हुई थी, दोबारा चुनाव हुए एक में भी बीजेपी जीत कर नहीं आई। आप देखिए श्री राम के नाम पर बंगाल में वोट मांग रहे जा रहे थे, बीजेपी की हाल में पराजय हुई। कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे गए, पराजय हुई। तो ईश्वर के नाम का जब राजनीति में इस्तेमाल होगा तो जनता इसको कभी पसंद नहीं करती है, ये उदाहरण रहा है, इतिहास रहा है जी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी आखिर में आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं? देखिए प्रेम कुमार जी ने जो बोला ना कि हिंदू लोगों को मंदिर जाना अनिवार्य हिंदू लोग नहीं मानते हैं, मैं बताना चाहूंगा जन्म से लेके मरण तक बच्चा पैदा होता है तो पहला संस्कार अगर मुंडन वगैरह होता है तो मंदिर में होता है, चाहे लोकल मंदिर हो चाहे कोई हो।
और राम मंदिर तो इतने सालों से बंद है, एक बार जरा खुलने दीजिए, आप भी रहेंगे हम भी रहेंगे। और रामनवमी के दिन कितनी भीड़ होती है, या तो आप मंदिरों से परिचित नहीं है, भारत की आस्था से आप परिचित नहीं है जो ऐसा बोल रहे हैं। हम प्रयागराज में रहे हैं, हमने देखा है कि एक दिन जब मुहूर्त होता है तो बिना निमंत्रण के कैसे वहां लोग आते हैं। इतनी चौड़ी सड़कें प्रयागराज में है, उसपे मतलब समझ लीजिए मैं आपको क्या बताऊं, आप जाके देखिए तो आपको पता चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो रही कि ठीक है राम के नाम पे भले बीजेपी को वोट मिले या ना मिले, लेकिन राम के काम पे तो जरूर मिलेगा। और मंदिर का पुनर्निर्माण होना, मंदिर की ओपनिंग होना, ये राम का काम है, राम काज। राम काज पे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा इलेक्शन पे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं भी एक लाइन में कंक्लूड कर देता हूँ। मेरे हिसाब से 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी को हराना बहुत मुश्किल है, अगर मैं ये भी कहूँ कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो किसी भी लेवल पे अपने आप को इकट्ठा कर सकेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ जी मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट आपकी हेल्थ के लिए, आपकी आने वाले परिवार की सुखद के लिए जी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आप प्रोग्राम देख रहे थे ब्रेन बस्ट विद डॉक्टर शारदा। आपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज सुने, मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा प्रो बीजेपी हैं और वो ये चाहते हैं कि क्यों नहीं हम उनके अगेंस्ट बात सुनना चाहते। देखिए डेमोक्रेसी में एक बहुत खूबसूरती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो दे सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं, यही ब्यूटी है। इस ब्यूटी को अगर हम समझ लें तो आई थिंक वी कैन बी ग्रेट नेशन विच वी आर। हिंदुस्तान इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑन दिस अर्थ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूँ और आने वाले टाइम के ऊपर फिर आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। एक बात याद रखिए कि आप जब भी यूट्यूब पर जाएं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। आपने तो किया ही हुआ तभी आप प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन अपने दोस्तों मित्रों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। इसको एक मिलियन तक लेके जाना आप लोगों का ही प्यार मोहब्बत जो है वो शो करेगा और आप ही लेके जा सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।